आज पूजा जी जितना अच्छा संचालन कर रही हैं, मैं आज सुबह लगभग 10 बजे से 3 बजे तक 4 चैनलों पर था लगातार। मुझे कोई इतना अच्छा एंकर नहीं मिला जितना अभी ये मिली है। एक बार आप इनके लिए तालियां बजा दें। मैं तो राजस्थान से हूँ और मुझे लग रहा है कि मिनी जयपुर मेरे सामने है। गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को, आपने एक छोटा गुलाबी शहर यहाँ खड़ा कर दिया है, इसलिए आपको भी बहुत बधाई। कीर्ति जी ने बहुत अच्छा वातावरण लड़कियों पर आपको कविताएं सुनाई। मैं काफ़ी देर से अपने आप को बहुत ही दलित महसूस कर रहा था, इतना अल्पसंख्यक महसूस कर रहा था। इनकी पूरी कविताओं का एक ही मतलब था, इस दुनिया में जो भी कुछ अच्छा है वो लड़कियां हैं, ये लड़के तो जाले साफ पैदा करने के लिए हुए हैं। इसके लिए हम तो यहाँ पे बस नाली साफ करेंगे, बाकी तो कुछ है नहीं हमारे पास। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में ऐसे क्षण बहुत कम जिए हैं जब मैं अपना आप सिर झुका के बैठा था और मैं काफी देर से सोच रहा हाय हुसैन मैं लड़की क्यों ना हुआ। एक बार आप तालियां बजा दें, मैं काफी कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो चुका है। इधर से देखा तो श्रेया गले लगने के लिए आ गई, अब मेरे तो गले लगने भी आएगा तो माइक वाला आएगा यहाँ पे। श्रेया जैसा तो कोई गुलाब आएगा, कोई कैक्टस ही उभर के आएगा मेरे पास। तो मतलब कितनी कितनी बातें इन्होंने कह दी, और मेरा सच मानना है ये लड़कियाँ, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इनकी बेटी की अच्छी रही होंगी। मेरे घर में भी है मेरे ससुर की बेटी, मैं भी उसको भोग ही रहा हूँ 25 साल से। मेरा दिल जानता है वो बेटी कैसी है, घर वालों ने छोड़ दिया वो नील गाय मेरे घर में 25 साल से। मेरी जिंदगी का खेत चल दिया उसने, मैं आज तक संकट से उभर नहीं पा रहा। आप ताली वाली बजाते रहो, मेरा संकट आप देख नहीं रहे। इधर लोग बात करने जा रहे हैं उनकी से, इधर मेरा संकट चल रहा है। पीछे बेटी वाले लोग बैठे हुए, आगे बेटे की तरह लोग बाग खड़े हुए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इन लड़कियों का मेरा निजी अनुभव यह है कॉलेज लाइफ में, आप अनुभव पता नहीं कैसा है। इन लड़कियों का दिल इतना छोटा सा होता है, बड़ा बता रहे कि लड़कियाँ ऐसी लड़की, मेरा ऐसा अनुभव नहीं है मैडम, माफ करना। इन लड़कियों का दिल छोटा सा होता है, उसमें मुश्किल से इनका बॉयफ्रेंड आके समाता है, ज्यादा से ज्यादा एक पति परमेश्वर आके समाता है। हमारा पुरुषों का दिल देखो कितना उदार है, रीटा भी आ जा, टीना भी आ जा, सुनीता, पूरा मोहल्ला आ जा, हमारा कितना उदार है। हमारे जरा उदार तक आपकी ताली बजनी चाहिए। हम छोटे मोटे लोग नहीं, हम तो पूरे देश के वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग भाग हैं। लेकिन अच्छा कहा, सोचिए कि ये तो छोटा सा हृदय है तब आप लोगों की ये हालत है कि यहाँ पे नारी पुराण पढ़ी जा रही है। अगर हाँ। थोड़ा सा और बड़ा होता तो आपका क्या होता मैडम? एक ही बहुत ही, एक और क्यों आ गई आप सुषमा स्वराज मेरे लिए, चलिएगा। लेकिन जो भी है, लेकिन मैं एक बात बहुत गंभीरता से, आपने एक अच्छा कदम उठाया है कि हंसी मजाक की बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं कुछ बातें गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ। हमने बड़ी बातें करी हैं बेटियों के बारे में, मैं बहुत दुख और अफसोस के साथ आपको सूचना दे रहा हूँ, मैं उसी दिल्ली में कविता पढ़ रहा हूँ ना जहाँ कुछ साल पहले दामिनी का कांड हो गया था। मेरी बेटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी एमए इंग्लिश किया है, आपको लग नहीं रहा होगा कि मेरी बेटी एमए इंग्लिश कर चुकी होगी, लेकिन हाँ ये उम्र मेरी हो चुकी है। तो जब वो दामिनी कांड हो रहा था तो मैं उसे फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था। मैं 2 मिनट आपकी बेटियों पर बात कर लूँ, फिर मुझे जो कहना है वो 3 मिनट में बात कह दूंगा। अरुण जी, मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर पा रहा था। आप सोच सकते हैं सड़कों पर दरिंदगी की खबरें आ रही हों और आप अपनी बेटी से 250-500 किलोमीटर दूर हों और उससे बात ना हो रही हो। एक शेर मेरे जहन में था, उसे अपने पास रख लीजिएगा, मंगल नसीम का। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देख कर, अब विनीत चौहान का तेवर बदल दिया, सुनिएगा आप मुझे। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देख कर, सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी, और ये संवेदना कहीं पहुंच जाए तो मुझे मन दीजिएगा। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर, सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी, और भाई लिवाने पहुंचा बहना को गांव तो जोहड़ में उसे तैरती चुटिया दिखाई दी। हिंदुस्तान की तस्वीर पिछले 70 सालों की, जिसे हम आज तक बदल नहीं पाए। मेरी बेटी ने जब यह सब कुछ सुना तो वो आंसू बहाने लगी, कहने लगी पापा क्या आपका पुरुष इतना क्रूर होता है? उसकी गलती नहीं थी अरुण जी, उसकी जिंदगी में जो पहला पुरुष आया वो उसका पिता था। उसे सोचा पिता जैसा कोमल होता है हर पुरुष ऐसा ही होता होगा, लेकिन जब यथार्थ की कठोर चट्टान से उसकी कोमल भावनाएं टकराई तो वो रोने लगी। मैंने कहा नहीं, तुम हिंदुस्तान की बेटी हो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। जो बात मैंने अपनी बेटी से कही, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरी बहनें बैठी, मेरी भतीजियां बैठी, मेरी भाभियां बैठी होंगी, कि फूल बनकर जो दिया उसको यहाँ मसला गया, ये शौर्य की आवाज इस नारी मंच से उठनी चाहिए जिसे विनीत चौहान उठा रहा है, कि फूल बनकर जो दिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। बहुत अच्छा, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। तो मैंने एक छोटी कविता कही है, मैं उसे कह देता हूँ कि लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हथियारों से। मुझे मालूम है कि मुझे लक्ष्मण रेखाओं के अंदर इस पूरी कविता को कहना है 3 मिनट में,
और आपको सुन के बता देना मैं इसे कोमल विषय पर बोल रहा हूँ। लो एक परी फिर छली गई वहशी पापी हथियारों से, वो किरण सूर्य की छली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूँ क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है, अपना गुस्सा अपनी हथेलियों में लाइएगा। मैं सोच रहा हूँ क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है, कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है। मैं शीश पटक कर पूछ रहा क्या यही भाग्य है माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, सर हम एक ही बात के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे, हमने वासना को जीत लिया था, बाकी वेस्ट में और ईस्ट में कोई अंतर नहीं था। मैंने सुना है कि स्वामी विवेकानंद एक बार जब अमेरिका में भाषण दे रहे थे तो एक सुंदर युवती उनके पास आई, कहने लगे स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद ने कहा तू मुझसे, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। कहने लगे मैं आप जैसा खूबसूरत बेटा चाहती हूँ, मेरा बेटा हो। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा माँ तुम आज से ही मुझे अपना पुत्र समझ लो। क्या चरित्र दिया हिंदुस्तान ने, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ आपकी तालियां मुझे कमजोर लग रही, मैं आपके समर्थन में वकालत कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि छत्रपति शिवाजी के दरबार में उनका सेनापति गोहरवानो बेगम को पकड़ के लिया प्रतिपक्षी सेनापति से, आपके हरम के लिए खूबसूरत तोहफा लाया हूँ। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली और कहा सबसे पहले सेनापति को जेल में डालो, उसके बाद गोहरवानो की तरफ देखा, गोहरवानो तुम बहुत खूबसूरत हो, पर क्या ही अच्छा होता मेरी माँ भी इतनी खूबसूरत होती तो मैं भी इतना सुंदर पैदा हुआ। ये हिंदुस्तान था, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, मेरी अंतिम लाइन सुन लिएगा, शायद मैं कुछ अलग से बात कहने जा रहा हूँ। मैंने पूछा दिल्ली से आपने उस लड़की को सिंगापुर क्यों भेजा, मैं गंभीरता से आपका ध्यान चाहता हूं इस तर्क के ऊपर, मैं आज तक न्यायालय से लड़ रहा हूं इस विषय पर। कहने लगे हमारे पास हॉस्पिटल नहीं था तो हमने उस लड़की को सिंगापुर भेज दिया, जो लोग समझ जाए मुझे सूचित करते रहिएगा। मैंने कहा चार लड़के थे वो, तीन को फांसी लगी, चौथा छोड़ क्यों दिया गया, मुझे मालूम है मुझे मर्यादा में बोलना है और आपको अपनी बात पहुंचा देनी है। कहने लगे वो 6 महीने छोटा था, हिंदुस्तान के पास कानून नहीं था कि उसे फांसी पर लटका सकते। नारी के मंच पर मैं कानून पास करने की उम्मीद करता हूं हिंदुस्तान की सरकार से। हिंदुस्तान में अपराध की सजाएं उम्र देखकर नहीं, अपराध की तासीर देखकर के तय की जानी चाहिए। आपकी तालियां मुझे इससे ज्यादा चाहिए थी शायद इसके ऊपर, बाहर के लोग सुन ले कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैंने सरकार से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, सिंगापुर भेज दिया लड़की को। कहने लगा हाँ हमारे पास हॉस्पिटल नहीं था। मैंने कहा उसे फांसी क्यों निकले, हमारे पास कानून नहीं था। मुझे एक एक श्रोता की हाथ खड़े करके ताली चाहिए, मैं कानून क्या मांग कर रहा हूँ। मैंने कहा सर आपके पास हॉस्पिटल नहीं था तो आप सिंगापुर भेज सकते हैं, तो यदि आपके पास कानून नहीं था तो आपने उसे दुबई के कानून के हवाले क्यों नहीं कर दिया, वहां पर था कानून उसके लिए। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, मैं आंसू का कवि नहीं, मैं अंगार की भाषा का कवि हूँ। इसलिए निवेदन है मेरा, मैं कानून पास कर दूं तो आपकी तालियां उठ जाए, मैं जो मांग कर रहा हूं। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी है जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को। लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को। मैंने कहा मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी, दहशतगर्दी केवल बुद्धा गार्डन तक होती तो बड़ी बात न थी। मैंने कहा मुझे बोलते शर्म आ रही है, ये घटनाएं यदि मंदिर और मस्जिद की दीवारों तक पहुंच जाएं तो कवि क्या लिख सकता था। मेरी बेटी ने कहा कि क्या ऐसी जगह भी हम जाने के काबिल रहे कि न रहे, उसने जो गुस्से में एक लाइन कही उसे मैंने कविता में तब्दील किया है, मंदिरों मस्जिद बुझाएं गर हवस की प्यास को। शायद चेतावनी हो सकती है आने वाले समाज के लिए, लेकिन मैं नारियों की तरफ से वकालत करते हुए बोल रहा हूँ, मंदिरों और न्याय पाने में इस मुल्क में 14 साल में वारंट तामील नहीं होते अपराधों के। तो विनीत चौहान गुस्से में बोल रहा है कि मंदिरों मस्जिद बुझाए कर हवस की प्यास को, न्याय ही कर तोड़ दे खुद न्याय के विश्वास को। और मुझे आपके दिलों की धड़कन लगे तो मुझे फिर आपकी तालियां चाहिए। मंदिरों मस्जिद बुझाए कर हवस की प्यास को, न्याय ही कर तोड़ दे खुद न्याय के विश्वास को, तो यही चारा बचेगा बेटियों के पास तो, गोलियों से भून दे वे खुद यहाँ अय्याश को, गोलियों से भून दे वो खुद यहाँ अय्याश को, गोलियों से भून दे वे खुद यहाँ अय्याश को। ये तरीका जितने हिंदुस्तान अपना ले देगा दरिंदगी का इतिहास बदल जाएगा। मैं एक छोटी सी कविता कह के, क्योंकि आज का दिन मैं पूरा, मैंने कहा मैं 4 चैनलों पे लौटा हूँ,
मैंने आंसू में भीगे वो शव देखे हैं हिंदुस्तान के तिरंगों में लिपटते हुए, जो 40-42 बेटे हमारे सरहदों से वापस लौटे थे। मैं अभी तक उन आंसुओं को सुखा नहीं पाया हूँ। मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के तिरंगे में लिपटे शव अब आने नहीं चाहिए, लेकिन जो हुआ उस पर अपनी क्रूर टिप्पणी कर रहा हूँ मैं। हमारे बेटों के शव कट के आ जाएं और हमारी आंखों में लाल डोरे न उभरे, तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ, कश्मीर में आप कभी देखे हमारे बेटों के गालों पर तमाचे पड़ रहे हैं, हमारे सैनिक राइफलें टांगे घूम रहे हैं, लेकिन उन पर पत्थरों की बौछार हो रही है। मैं राजनीति से एक बात कह रहा हूँ और आपकी जागृति मांगते 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। किसका खून नहीं खौलेगा पर सुनकर अखबारों में, मैं विनीत कुमार चौहान दूसरी बी कैसे शुरू कर रहा हूँ अपनी, जिसके लिए मुझे जाना जाता है, जिसके लिए मैं बाघा बॉर्डर पर गया था यहाँ से हिंदुस्तान से, कि किसका खून आपको लगा हो कि आपकी हथेलियों में उस दिन चिंगारियां उठी थी जब हमारे बेटों के शव कट के आए, जब हमारे बेटे चीथड़ों में लिपट गए, हमारे कल मैंने देखा बाल्टियों में उठाया जा रहा था उनके टुकड़ों को। किसका खून नहीं खौलेगा पर सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कट गई है कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कट गई है। मुझे अफसोस है कि आप मेरे साथ नहीं है, मैं कविता को छोटी कर रहा हूं, कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, हमारे आर्टिस्ट लोग खड़े हैं, मैं आपका भी ध्यान चाहता हूं, मेरे साथ हो जाइएगा, कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी, आपकी तालियां मोदी जी तक पहुंचे मुझे अच्छा लगेगा, बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो, आप तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। 56 इंची सीना है तो उसका भी इजहार करो, पूरे मुल्क की आवाज यदि मैं गा रहा हूं तो मेरे साथ होइएगा, रात 8 बजे आप इसी कविता को हमारे न्यूज इंडिया के ऊपर आप सुनेंगे जो मैं अब आपके सामने लाइव बोल रहा हूं। इतना खून नहीं छिड़को जो मैं बात कह रहा हूं मोदी जी से, उन्हें हिम्मत के साथ बोलने की मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं और किस वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने क्या बोलने जा रहा हूं। 56 इंची सीना है तो उसका भी इजहार करो, सेना को आदेश थमा दो आर करो या पार करो, सेना को आदेश थमा दो आर करो या पार करो, सेना को आदेश थमा दो आर करो या पार करो। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, मैं सेना की तरफ से बोल रहा हूँ, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंडर भौंके और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिरसों पे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी